Question number 8. If the sum of n terms of an AP is Pn plus Qn square, where P and Q are constant, find the common difference. बच्चे आपको इस क्वेश्चन में Sn given है और आपको common difference चाहिए, तो उसके लिए पहले हम An find करेंगे इस formula से, क्या Sn minus 1, और फिर जब हमें An मिल जाएगा तो हम An की हेल्प से An minus 1 पता करेंगे, फिर जो इन दोनों का डिफरेंस होगा बच्चों वो कॉमन डिफरेंस होगा। वैसे कॉमन डिफरेंस होता क्या बच्चों? कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ही तो होता है ना, किसी भी टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करने में मिलता है। देखो an है, an में से उससे पहले वाली टर्म क्या होगी, an minus 1, वो माइनस कर दीजिए तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है ना। ये जनरल फॉर्मूला है कॉमन डिफरेंस के लिए। अब हम पता कर लेते हैं Sn minus 1 वो कैसे मिलेगा, n को रिप्लेस कर दीजिए n माइनस 1 से, तो या q n माइनस 1 होल पावर 2, क्लियर, समझ में आ रहा है। क्या किया हमने, n को रिप्लेस कर दिया n माइनस 1 से। अब आपको चाहिए an, वो होगा Sn माइनस 1, इसकी वैल्यू बच्चों p n q n स्क्वायर और p n माइनस 1 q n माइनस 1 होल पावर 2। अब ऐसा करिए बच्चों, p एक साथ सॉल्व करते हैं और q को एक साथ, p कॉमन करेंगे तो ये बचेगा n माइनस 1, क्लियर, और q कॉमन कर लेंगे यहां से और यहां से, तो बच्चों माइनस और प्लस से माइनस हो जाएगा, क्या n स्क्वायर और n माइनस 1 होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए बच्चों, तो ये कट जाएगा n से n, सिर्फ p बचेगा और यहां q n स्क्वायर, यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाई तो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो चुका, तो हो जाएगा p प्लस q n स्क्वायर से n स्क्वायर, ये हो जाएगा 2n माइनस 1, कैसे इस माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा प्लस 2n और माइनस माइनस 1। अब इसके बाद आप बच्चों an पता कर चुके, ये an है, हमें ए एन माइनस 1 चाहिए, तो ए एन माइनस 1 ये हो जाएगा पी क्यू, एन को रिप्लेस करिए एन माइनस 1 से तो जाएगा 2 एन माइनस 1 और माइनस 1। क्या किया बच्चों हमने, ए एन में हम चाहते हैं ए एन माइनस 1 मिले, तो एन को रिप्लेस कर देंगे एन माइनस 1 से, तो ये रहा एन, इसलिए इसे हमने रिप्लेस किया एन माइनस 1 से, तो हो जाएगा पी q 2n माइनस 2 और माइनस 1, ये जाएगा जो p q और 2n माइनस 3, ये बच्चों आपको an माइनस 1 मिल गया। अब कॉमन डिफरेंस के लिए फॉर्मूला आप ये देख पा रहे हैं, an माइनस 1, an बच्चों ये रहा p और प्लस q 2n माइनस 1 माइनस पी क्यू 2n माइनस 3, समझ में आ रहा होगा। क्या क्या बच्चों हमने an और an माइनस 1 की वैल्यू पुट कर दी, p से p कैंसिल बच्चों, कैसे ये माइनस का हो जाएगा, q कॉमन कर लीजिए बच्चों, तो यहां बचेगा 2n माइनस 1 और यहां हो जाएगा माइनस 2n प्लस 3, समझ पा रहे हो बच्चों, q का कोएफिशिएंट यहां कितना 2n माइनस 1 और यहां कितना होगा भाई 2n माइनस 3, लेकिन इस माइनस से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे तो माइनस 2n प्लस 3 हो जाएगा, 2n से 2n कैंसिल बच्चों, माइनस 1 प्लस 3 ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2q, ये रहा आपका कॉमन डिफरेंस, ऐसे करना है ना। तो आप समझ गए होंगे, एक बार समराइज कर देता हूं इसे, क्या करना आपने, जब भी Sn पता हो मतलब n टर्म्स का सम पता हो तो आप क्या पता करेंगे Sn माइनस 1, और इस फॉर्मूले से Sn माइनस वन से जो है हम an पता कर लेंगे, और फिर d पता करने के लिए हमारे पास an है ही, उसकी हेल्प से an माइनस 1 पता करेंगे और इन दोनों का डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस होगा, तो ऐसे करना है।